अंतरिक्ष परी एवं विद्यालय की पूर्व छात्रा स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर टैगोर बाल निकेतन करनाल में कार्यक्रम कराया गया। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीना हुड्डा, अतिरिक्त उपायुक्त करनाल अमृता, सीएम गुड गवर्नेंस असिस्टेंट रहे। इस दौरान विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों द्वारा भी महान एस्ट्रोनॉट स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना चावला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीना हुड्डा द्वारा विद्यालय की 10 मेधावी छात्राओं को कल्पना चावला अवार्ड के रूप में 25,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजन लांबा ने बताया कि यह पुरस्कार पिछले कई वर्षों से रूपा एंड कंपनी नई दिल्ली की तरफ से स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर विद्यालय की मेधावी छात्राओं को उनकी शिक्षा एवं अन्य सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जा रहा है। इस अवसर पर इन छात्राओं के अभिभावकों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वीना हुड्डा ने कल्पना चावला अवार्ड प्राप्त छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना चावला को अपना आदर्श मानकर सभी लड़कियों को विद्यालय तथा देश का नाम विश्व में रोशन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कल्पना चावला के रिक्त स्थान को भरने के लिए सभी छात्रों को पढ़ाई तथा अन्य गतिविधियों के साथ सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अमृता, सीएम गुड गवर्नेंस असिस्टेंट ने कल्पना चावला अवार्ड प्राप्त छात्राओं तथा उनके अभिभावकों तथा टैगोर स्कूल के अध्यापकों को बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वही विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजन लांबा ने मुख्य अतिथि वीना हुड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वीना हुड्डा अतिरिक्त उपायुक्त करनाल का जीवन सादगी भरा तथा उच्च विचारों का है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्वर्गीय कल्पना चावला से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित करने चाहिए। इस अवसर पर मैनेजिंग कमेटी की ओर से कर्ण रहेजा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर 10 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिनमें तमन्ना, निधि, जैस्मीन, इशिका बंसल, हर्षा, तनिष्का, रिधम, अशंधा पाढ़ी, पावनी व जैस्मीन शामिल रहे। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। तरुण मैदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 66 टैगोर बाल निकेतन स्कूल में। आज यहां पर एक समारोह का आयोजन किया गया। मैं बता दूं कि मैं बता रहा हूं आपको कि आज से तकरीबन 18 साल पहले करनाल की बेटी कल्पना चावला, जिसको कि अंतरिक्ष परी भी कहा जाता है, वह शहीद हो गई थी और उनके याद में हर साल टैगोर स्कूल के द्वारा टॉप टेन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें पर सम्मान के साथ साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ ऐसी राशि दी जाती है जो कि उनके भविष्य में काम आ सके। राजन लंबा जी, ये आपके लिए सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है और आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। थैंक यू समाचार एक्सप्रेस। मैं आज के दिन 18वीं पुण्यतिथि डॉक्टर स्वर्गीय कल्पना चावला की, आज से 18 साल पहले 1 फरवरी 2003 को ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो टैगोर बाल निकेतन परिवार इनको, क्योंकि एक लड़की थी, एक वीमेन थी, तो हर वर्ष 10 लड़कियों को 25,000 रुपए के सम्मान से सम्मानित करता है और यही कल्पना चावला को श्रद्धांजलि है। जैसे ADC मैम और मैडम CM JJ ने कहा कि बच्चियाँ ही एक ऐसी है जो देश के प्रति वो होगी और जितना इनको जगह मिलेगी उतना देश सुरक्षित होगा। सर, आप शिक्षा को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से लगातार सक्रिय रहे हैं, कई जैसे कि नवोदय स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा और कल्पना चावला को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये इस तरह से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। क्योंकि उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना है, क्योंकि मौजूदा समय में लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे कल्पना चावला जी ने आपने भी अपने वक्तव्य में बताया कि यहीं से कोई ना कोई और अगली कल्पना चावला निकलेगी, आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश वही है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल चुकी हूँ। जहाँ तक आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, देखिए मेरा मानना ये है कि पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया है। अब माता पिता भी ये समझते हैं कि उनकी बच्चियों के अंदर बहुत क्षमता है और हमारी बेटियों ने तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा उन्होंने क्षेत्र छोड़ा ही नहीं है जहाँ अपना परचम उन्होंने न लहराया हो। तो कल्पना चावला एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा के लिए हमें इंस्पायर करती रहेंगी, सभी को इंस्पायर करती रहेंगी और मैं तो यही चाहूँगी कि एक नहीं अनेक बेटियाँ उस ऊंचाई को छुएं जिसे उन्होंने छुआ और उससे भी आगे जाएं, और बिल्कुल जा सकते हैं हम और हम जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। सो जय हिंद, जय भारत। मैम, आप क्या, आप
जैसे मैम ने कहा है विमेन एम्पावरमेंट हैज़ बीन ऑन द माइंड्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट. एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, विमेन सेफ्टी के ऊपर. ये चीज़ हम कंटिन्यू करते रहेंगे. जैसे मैम ने कहा है आगे और भी इम्प्रूवमेंट होगा, इसी उम्मीद में हम काम करेंगे. परसेंट किए थे मैंने. आज जिस तरह से आपको सबके सामने करनाल के उच्च अधिकारियों ने आपको सम्मानित किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को इतना अप्रिशिएट किया और इनकरेज किया स्कूल वालों ने. और इस दिन को मतलब अलग इम्पोर्टेंस देती है ये चीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैम जो राशि अब आपको मिली है इसको उपयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे? इसका भी कुछ सोचा नहीं है मैंने. मैम आपका नाम? तमन्ना. तमन्ना जी आप कैसा महसूस कर रही हैं और टैगोर स्कूल में आप कब से पढ़ रही हैं? टैगोर स्कूल में मैं अपनी जब मैं सेवन्थ क्लास में थी तो मैंने सेवन्थ क्लास से अपने टैगोर स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट करी थी. ये प्राइज़ लेने के बाद प्राउड फीलिंग तो है ही, अच्छा भी बहुत लग रहा है. कल्पना चावला थी जो शी इज़ अ वेरी बिग आइडल फॉर अस, शी इंस्पायर अस अ लॉट. इन द मेमोरी ऑफ हर टुडे दिस अवार्ड गिवन टू मी एंड अदर 9 गर्ल्स ऑल्सो इन विच 25,000 कैश प्राइज इज गिवन टू अस. फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर में मैं आई वॉन्ट टू बिकम पायलट. Just like कल्पना चावला इज़ वेरी बिग आइडल फॉर अस. तो जैसे उन्होंने अपनी कंट्री का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन किया, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ उनकी तरह भी अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ. आज आपको सम्मान मिला, आप तो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं वो. अब प्राउड फीलिंग तो होती है कैश प्राइज और अवार्ड लेके, कल मैं इतना बड़ा अवार्ड है तो, और वो भी इतने चीफ गेस्ट से मिला है, तो बहुत प्राउड फीलिंग है. मैम आपको आज चीफ गेस्ट के माध्यम से सम्मानित किया गया. हाँ जी. स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में एक्टिविटीज़ कैसी हैं और किस तरह से आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करते रहे? हमारा टैगोर स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. टीचर्स हमें हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं, हमें इनक्रेज करते हैं कि हम अच्छे अंक प्राप्त करके कुछ भविष्य में कुछ कर पाएँ. बहुत ही अच्छा स्कूल है, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलवाया जाता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं. कल्पना चावला भी हमारे स्कूल से पढ़ के गई हैं तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं. फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? फ्यूचर में मैं जज बनना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ जज. ये थे हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने सम्मानित हुए आज. इन्होंने अपने अपने विचार हमारे सामने रखे कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि स्कूल की टीचर, स्कूल के स्टाफ के द्वारा किस तरह इनका सपोर्ट किया जाता है और जो इनको राशि मिली है, जो इनको सम्मान मिला है, इसका आगे इन्होंने क्या कुछ करना है, यह भी इन्होंने विस्तार से जानकारी दी. और हम समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से हमारी शुभकामनाएं इन सभी बच्चियों के साथ हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है. और हमारी आशा यही है कि और भी अधिक से अधिक बच्चे इस सम्मान के हकदार बने और वो भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं. हम समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से दोबारा से इन सभी बच्चों को, टैगोर बाल निकेतन के स्कूल को शुभकामनाएं देते हैं. मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन. वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज. राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.